हमारे हवाले करो। हाँ, तूने बोल दिया और हमने कर दिया। इसका बयान लीजिए कि चिंगारी गैंग ने इसे मारने की कोशिश की। मैंने अपना नाम अजय से बदलकर विक्रम रख दिया था। तेरा शक बिल्कुल सही निकला, नाम बदल के घूम रहे हो। अगर तूने मेरा केस सॉल्व कर लिया तो आई शपथ, ये चिंगारी दोबारा कभी कोई भी हथियार नहीं उठाएगी। शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। Happy Diwali, Ma. Happy Diwali, Chita. Happy Diwali. Happy Diwali. Happy Diwali. Gift नहीं, खाली हाथ। खाली हाथ मतलब ऐसे कैसे रे? अपने ऐसे समझा है तुम? Gift लाए हैं हम। तो लाओ। लीजिए संतु जी। संतु जी आपके लिए लेकर आए। खोलिए खोलिए, देखिए देखिए क्या है। क्या है? सरप्राइज। संतु जी, हमको नहीं लगता है ना कि इससे बेहतर भेंट भी हो सकता है। इससे अच्छा गिफ्ट कोई और हो ही नहीं सकता है। वाओ चीते, वाओ, क्या गिफ्ट दिया है। सेफ्टी फर्स्ट। चीते, आई एम प्राउड ऑफ यू। मतलब मैडम सर के मैसेज ने एकदम बवाल कर दिया है। बेहतरीन बढ़िया मैसेज दिया है। हम सबको ये खरीदना चाहिए, हम सब खरीदेंगे। खरीदेंगे नहीं बिल्ले, खरीद रहे हैं लोग। लाइन लगी हुई है गैस पाइप की दुकानों पे। मैडम सर की बात सभी को समझ में आ गई है कि हमें गैस पाइप की एक्सपायरी डेट चेक करते रहना चाहिए और एक्सपायरी होती उसे बदल देना चाहिए। अरे आग लगा दी मैडम सर के मैसेज ने। ए पांचवी फेल, आग नहीं लगानी है, आग से बचाना है। दिवाली है, आग लगा दी। वैसे हर कोई संतु की तरह खुशनसीब थोड़ी ना होता है। यहाँ हमें देखो, हम ही अपने लिए तोहफे खरीदते रहते हैं। क्या बात है पुष्पा जी। बहू का इतना परवाह होता तो दिवाली गिफ्ट हमको भी दे देती। करिश्मा मैडम, हैप्पी दिवाली, आप बहुत अच्छी लग रही हैं। हैप्पी दिवाली, और तुम भी बहुत अच्छी लग रही हो। ठीक है। करिश्मा मैडम, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं क्या? हमें दिखाई नहीं दे रहा है, आप मैडम सर का इंतजार कर रही हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उनको तो पता ही है ना कि यहाँ आना है, या फिर अब टीम से भी उनके जज्बात उखड़ने लगे हैं। हम खुद जाकर बोले थे उनको। पर मुझे नहीं लगता कि मैडम सर आएंगी, क्योंकि आजकल वैसे भी उनका मूड ठीक कहाँ रहता है। अरे मैडम सर आज। अरे हाँ मैडम सर। आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली मैडम सर। हैप्पी दिवाली करिश्मा सिंह। मैडम सर, भगवान आपको हमेशा तरक्की दे, बहुत सारी तरक्की। आपको भी धन्यवाद। मैडम सर, हमें तो लगा ही नहीं था कि आप आएंगी। अरे ऐसे कैसे नहीं आते पुष्पा जी, दिवाली तो सब अपने परिवार के साथ ही मनाते हैं ना। हम आ गए। सही कहा मैडम सर आपने, सब लोग दिवाली अपनी फैमिली के साथ ही मनाते हैं। तो इसका मतलब मंजरी का पति भी अपने माँ बाप के पास गया होगा दिवाली मनाने। उसको वहीं पकड़ना होगा मैडम सर हमें। बिल्ले, 5 मिनट में जितना दिवाली बना सकते हो बना लो, तुमको चलना है हमारे साथ। जय मैडम सर। ओके, तो थोड़ी देर बाद एवरीबॉडी गेट बैक टू वर्क। दिवाली का दिन है, किसी के साथ कोई हादसा नहीं होना चाहिए, सो प्लीज बी रेडी। जी मैडम। सॉरी, ये आ गया गंतव्य स्थान। यही डरता हमसे पहले ये चिंगारी ने अजीत को पकड़ लिया। अभी कहाँ?
नहीं 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 करिश्मा मैडम, ये बहुत डेंजरस लोग है। तुमको तो कुंग फू आता ना। रे के हुआ, डर गई के? इसे हमारे हवाले करो। हाँ, तूने बोल दिया और हमने कर दिया। पिछली बार गर्दन से खरगोश की तरह पकड़ा था, भूल गई क्या? याद दिलाएं। वो इंग्लिश में कहते हैं ना, एट योर ओन रिस्क। तो कोशिश कर ले। हम आओ। नहीं, पुलिस वालों पे हाथ नहीं उठाते। रे तू भी ना ताई। अरे हाथ नहीं उठा सकते, पर आंखों में धुआं तो झोंक सकते हैं। चिंगर गैंग से जादू तो ना भी जानती है क्या? क्या चिंगारी गैंग ले गए उसे? हम रंगरेज गली जा रहे हैं उसे लेने। नहीं, अब आप और कुछ नहीं करेंगे, इसे हम अपने तरीके से हैंडल करेंगे। आप प्लीज वापस आइए। करिश्मा जी वही है। मैडम सर, फॉरेंसिक। हाँ जी, क्या रिपोर्ट है? अरे वाह, आपको कैसे पता कि रिपोर्ट आ गई है? अभी अभी तो आई है। पहले सोचा आपको मिलकर बता दूं, फिर सोचा फोन पर ही बता दूं, दिवाली की विश भी कर लूंगा। घर जाना था, दिवाली है, हैप्पी दिवाली। रिपोर्ट क्या है? पाइप एक्सपायर था मैडम सर। क्या मतलब ये एक्सीडेंट था? अब रिपोर्ट तो यही बता रही है। ठीक है, शुक्रिया। इतनी मुरझाई हुई क्यों है? दिवाली है? है, लेकिन मेरे पति तो मुझे उड़ा के ही दिवाली मनाने वाले थे ना। मानती हूँ मैं कि तू दुखी है, लेकिन किसके लिए? खुद की खुशी के बारे में खुद ही सोचना चाहिए मंजरी। क्या तू उसके भरोसे इस दुनिया में आई थी? और जब आई थी, भूख लगती थी तो खुद ही रोती थी ना, ताकि तेरी माँ तेरे को दूध पिलाए। कोई और रोता था क्या तेरे लिए? नहीं ना, अपने बारे में खुद ही सोचना चाहिए। तो फिर क्यों किसी को पावर देने का कि वो तेरे को हंसाए, वो तेरे को रुलाए? अरे अपने ही हाथों में अपनी खुशी होती है, और जिस दिन हम ये दूसरों के हाथों में देते हैं ना, तो वो हमें अपना गुलाम बनाने लग जाते हैं। समझी? रोहन निकले है? ये ले, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। ये कहाँ लेकर आए आप सब लोग मुझे? ये रहे मंजरी के पति परमेश्वर। मंजरी तुम यहाँ क्या कर रही हो उन लोगों के साथ? ए, तो तेरा प्लान था इसको उड़ाने का? किसने कहा आपको? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जज्बात वाली भाई, हैप्पी दिवाली। शिवानी, हम जानते हैं कि अजीत तुम्हारे पास है, लेकिन हमारे पास रिपोर्ट है, और रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि पाइप एक्सपायर हो जाने की वजह से ये सब सिर्फ एक एक्सीडेंट हुआ था। अजीत को छोड़ दो। देखो, बात समझने की कोशिश करो।
अगर हम चाहते तो ये इन्फॉर्मेशन तुम्हें नहीं भी दे सकते थे और फिर एक निर्दोष इंसान के साथ मारपीट करने के इल्जाम में तुम्हें पकड़ लेते और सीधा अंदर जेल में डाल देते। लेकिन हम ये बात जानते हैं कि तुम्हारे काम करने का तरीका भले ही अलग हो, लेकिन हम जानते हैं कि उसूलन तुम गलत इंसान नहीं हो। तुम बेवजह कभी किसी बेकसूर इंसान पर हाथ नहीं उठाओगे, इसीलिए हम तुम्हें ये सब बता रहे हैं। सही काम करो और अजीत को भेज दो। ठीक है, अगर ऐसा है तो तेरे पास लेकर आती हूँ मैं उसको। शिवानी अजीत को लेकर आ रही है। हैप्पी दिवाली मैडम सर। हैप्पी दिवाली। क्या हुआ, आप फिर भी टेंशन में क्यों लग रही हैं? हम ये सोच रहे हैं कि अगर ये सब एक्सीडेंट ही था तो फिर अजीत भागा क्यों? ऐसा क्या है जो हम मिस कर रहे हैं? मिन्नी, ये इनोसेंट है, कुछ नहीं किया इसने। मैं कह रहा था ना आपको, मैंने कुछ नहीं किया। चुप करो शिवानी, तुम्हें सच कैसे पता? वो अगर झूठ बोल रही हो तो? क्योंकि जज्बात वाली उसूल की पक्की है और उसूल वाले लोग उसूल वालों को धोखा नहीं देते। वो एक एक्सीडेंट था, पाइप एक्सपायर हो गया था। लो बताओ, ऐसा कैसे हो सकता है कि वो एक्सपायर हो? अभी पिछले महीने तो खरीदा था और इन्होंने खुद लगाया था अपने हाथ से। तो ये कांड तूने किया है, ये तेरा ही प्लान था ना? जानबूझकर एक्सपायर्ड पाइप लगाया गया ताकि जब सिलेंडर फटे तो वो एक्सीडेंट लगे और तेरे ऊपर इल्जाम ना आए। इसीलिए जज्बात वाली बाई के रिपोर्ट में तू बेकसूर है। बताता है तोड़ू तुझे। बता तो, सब कुछ बता तो, मुझसे गलती हो गई, अंजलि मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। रीना, हाथ बंद कर। अंजलि, अंजलि, अंजलि मेरी बात सुनो, अंजलि कहाँ जा रही है तुम? मैडम सर, लेकिन आपको इतना भरोसा कैसे हो गया चिंगारी गैंग पे? वो काहे छोड़ेंगे उसे? हम अभी भी कह रहे हैं कि हम सब चलते हैं वहां पे। शिवानी, हमने कहा था कि वो इनोसेंट है, फिर क्यों मारा उसे? उसूलों का सिर्फ ढोंग करते हो तुम लोग। तू जैसे अपने जज्बातों का ढोंग नहीं करती, वैसे हम भी अपने उसूलों से पीछे नहीं हटते। लेकिन तू जज्बातों में बह जाती है और दोषी फरार। हम अपने उसूलों को बेड़ी नहीं बनाते, पहले अच्छे से चेक करते, तभी तो इन जैसों तक पहुंच पाते। ये इनोसेंट नहीं है, वो एक्सपायर्ड पाइप इसने खुद लगाया था। मैंने खुद देखा था, नई पाइप लगाने के बहाने इन्होंने गला हुआ पाइप लगा दिया था। जज्बातों वाली बाई, तेरे कानून पे ना जज्बातों की पट्टी बंधी है, लेकिन मेरा कानून सब कुछ देखता है। अगर ये इनोसेंट नहीं होता तो कोई भी कानून इसे छोड़ता नहीं, कोर्ट में से सजा मिलती ही मिलती। सजा तो तुरंत देनी ही पड़ती है, ये नहीं कि सालों तक किश्तें चुकाते रहो। अगर तेरे न्याय के लिए ये वेट करती ना, तो इसका पति इसको किसी और तरीके से मार देता।
तब क्या करती? हमारा इंसाफ हो गया। अच्छा, कम से कम ये तो नहीं कह सकती कि हमने तुम्हें वार्निंग नहीं दी थी। अब हमारा इंसाफ होगा। करिश्मा सिंह जी, इसका बयान लीजिए कि चिंगारी गैंग ने इसे मारने की कोशिश की। नहीं नहीं मैडम, इन्होंने कुछ नहीं किया। ये तो मैं बाइक से जा रहा था तो गिर गया, तो चोट लग गई। अमाओ खजूर के पेड़ का झुका हुआ डाल, झूठ काहे बोल रहे हो और इनका साइड काहे ले रहे हो तुम? लेनी तो चाहिए ना मैडम, इन्होंने मुझे गलती का एहसास दिलाया, सही रास्ता दिखाया मुझे। मुझे माफ कर दो, एक मौका और दे दो, मुझे माफ कर दो। पहले मुझे लगता था कि मेरी खुशी आपके साथ रहने में, लेकिन खुशियां अपने हाथों में होती हैं। उन्हें जब हम दूसरों के हाथों में दे देते हैं ना, तो वो हमें गुलाम बना कर रखते हैं। मुझे तो आपके साथ रहना ही नहीं है, चले जाओ यहां से। थैंक यू ताई, आप सबकी वजह से ही मुझे अपनी ताकत का एहसास हुआ। जज्बातों वाली भाई, हैप्पी दिवाली। स्टॉकर वाला कहानी सुना तो मंजरी इनके पास चली गई, ये वाला कहानी अगर सब सुनेंगे तो पूरा शहर इनकी सुनेगा। हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है मैडम सर। हाँ 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 अम्मी, हम सुन रहे हैं, आप बताइए क्या सपना है आपको? अम्मी आप भी ना, सुबह से हम ही मिले क्या आपको? मतलब सपना भी देखा तो क्या देखा कि हमारी शादी हो चुकी है, हमारी बच्ची ने हमारे नाक में दम कर रखा है और बच्ची का चेहरा करिश्मा सिंह से मिलता है। वाह, मतलब कमाल है आप। हाँ अरे बेटा, सपनों का क्या है, दिल में जो कसक रह जाए दिमाग कमबख्त उसका सपना बना देता है। ये तो वैज्ञानिक बात है, चाहत पूरी हो जाए तो इंसान भटकना बंद कर देता है, फिर वो चाहे जिंदगी हो या सपने। बात तो सही कह रही हैं। बहरहाल प्लीज, हम अब बस थाने पहुँचने वाले हैं, हम आपसे बाद में बात करते हैं, ठीक है? ओके बाय। कसक, तेज दर्द, पूरा हो जाए तो इंसान पूरा हो जाता है। नमक भी सही था। पहले खा लीजिए फिर बात करेंगे। कहाँ क्या खा रहे हैं हम? बाप रे बाप, कितना झूठ बोलिएगा पुष्पा जी।
एकदम खुला नजर से दिख रहा था, सामने दिख रहा था, आप खा रही थी भाई। जाओ ना तुम दोनों को, अपना अपना काम नहीं है क्या? जाओ करो अपना काम। आप भी अपना काम कीजिए, जाइए। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आपने अपना भौकाल छोड़ा, हमने कुछ नहीं कहा। आपने उठपटांग सी चीजें करना शुरू किया, जैसे योगा, कुछ अटपटी सी खाने वाली चीजें बनाने की, हमने कुछ नहीं बोला। मगर आज आज हम चुप नहीं रहेंगे, आज हम बोलेंगे। वैसे भी आप कब चुप बैठती हैं? हमेशा तो बोलती ही रहती हैं। बोलेंगे ना, क्यों ना बोले हम? आप बताइए, हमारे घर में तो कोई मांसाहार करने वाला है नहीं, तो फिर आप क्यों सीख रही हैं मांसाहार बनाना? अरे हम तो खाते हैं ना पुष्पा जी, हम जो टिफिन लाए थे उसमें जो मटन था उसका स्वाद हमें ठीक नहीं लगा, इसलिए हम देख रहे थे कि हमसे क्या गलती हो गया। क्या? मटन लाई थी? मटन था हाँ, लेकिन आपके लिए नहीं था, हमारे लिए था। तभी हम सोचे खाते समय कोई अंदर से हमें माँ माँ कैसे पुकार रहा है। एक सेकंड, मटन मामा नहीं करता है, वो मैं ये करता है। आपने तो हमारा धर्म भ्रष्ट करके रख दिया। अब जब लल्ला के पापा रात को हमारे सपने में आएंगे, पूछेंगे कि पू तुमने आज क्या खाया, तो हम क्या जवाब देंगे कि हमें मैं खाया? तो हमने कोई जबरदस्ती तो नहीं किया था, आपने खुद नहीं खाया, काहे मुंह मारती है दूसरों के टिफिन में? मत मारा कीजिए ना मुंह। गलती हो गई हमसे, गलती हो गई हमें से, गलती हो गई है। पुष्पा जी। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद जय हिंद। एक काम करिए, सब लोग अर्जेंटली हमारे केबिन में आइए। जी अभी। चिंगारी गैंग हम सब के लिए और हमारे समाज के लिए नासूर बनता जा रहा है, और अगर ये नासूर हद से ज्यादा बढ़ जाए तो शरीर का एक हिस्सा काटना पड़ जाता है। लेकिन मैडम सर, हम करें क्या? वो हमेशा हमसे आगे रहते हैं। तजुर्बा कहता है हमारा कि कोई भी इंसान पैदाइशी क्रिमिनल नहीं होता, हालात उसे क्रिमिनल बना देते हैं। नहीं बुझाया मैडम सर। मतलब हम समझाते हैं, चिंगारी गैंग का पुलिस पर से, प्रशासन पर से भरोसा कम्प्लीटली उठ चुका है। लेकिन ऐसा क्यों? आप लोगों ने गौर किया हो तो ये गैंग सिर्फ और सिर्फ औरतें चलाती हैं, और हमारे देश में सबसे ज्यादा जुर्म औरतों के खिलाफ ही होते हैं। हो सकता है इन सबके साथ कोई जुर्म हुआ हो, इनके साथ कुछ बहुत गलत हुआ हो, इस वजह से इन्हें कानून से नफरत हो चुकी है, इसीलिए इन्होंने कानून को अपने हाथ में उठा लिया है। अगर हम किसी तरीके से इन्हें इंसाफ दिला सके, अगर उनका दर्द दूर कर सके, तो हो सकता है कि ये सारी औरतें सही रास्ते पर आ जाएं। तो ये हथियार डाल देंगे? गजब मैडम सर, आपको इतना भरोसा अपने जज्बातों की शहनाई पे कि उसका संगीत सुन के चिंगारी गैंग आत्मसमर्पण कर देंगी? सॉरी मैडम सर। आप मैडम सर का अपमान कर रही है। नहीं नहीं, अपमान हमारा हो रहा है, हम सबका हो रहा है, हमारी इंटेलिजेंस का अपमान हो रहा है। मैडम सर वो चिंगारी गैंग है, उनके पास मकसद है, लड़ने की हिम्मत है, जीतने की ताकत है, वो जज्बातों की मूंगफलियां नहीं खाते हैं। अरे फोर्स बुलाइए मैडम सर, ये रंगरेज गली में उनको घुसाइए, लठ बजाइए, उनको उठाइए और सीधा जेल में डालिए। नहीं तो आपने ही कहा ना कि नासूर जो होता है वो अगर शरीर में फैल जाए तो शरीर का एक अंग काटना पड़ता है। महिला पुलिस थाना समाज के शरीर का एक अंग है, ध्यान रखिए मैडम सर, कहीं वो एक अंग को काट के ना फेंक दे। मैडम सर वैसे करिश्मा जी जो कह रही है, पहली बार हमें लग रहा है वो बिल्कुल सही कह रही है। ये लोग बहुत चातिर हैं, हमेशा केस में हमें उलझा के चले जाते हैं। चीते को जेल में डलवाया, आपसे हाथ जुड़वा लिए, मतलब हमें तो लगता है कहीं ऐसा ना हो कि आप उन्हें सुधारने की कोशिश करें और पता चले हमारा थाना ही सिधर गया। नहीं नहीं, मतलब मन में आया इसलिए बोल दिया हमने, क्या करें? जैसा हम कह रहे हैं वैसा करिए। शिवानी का एक MMS बना था और उस केस का जजमेंट भी आ गया था, 4 महीने का सजा, फिर ये केस रीओपन कैसे हो जाएगा? करिश्मा सिंह, जब सीनियर बात कर रहे हो तो बीच में नहीं काटते। शिवानी का केस रीओपन करने के लिए हमें या तो थर्ड पार्टी की जरूरत है और या फिर खुद शिवानी FIR करवाए, और शिवानी से ये सब एक्सपेक्ट करना बेमानी है। मैडम सर मुझे FIR लिखवाना है, ये फालतू की वीडियो और MMS जो डालते हैं ना उनके खिलाफ, मेरा मोबाइल का डेटा फटाक से खा जाते हैं ये, मतलब अभी रिचार्ज कराया और देखो एक वीडियो के चक्कर में सब खत्म, मुझे FIR लिखाना। बिल्लू कैसी बात कर रहे हो तुम? अगर तुम FIR लिखवाओगे ना तो और 100 लोग खड़े हो जाएंगे FIR लिखवाने के लिए। मगर हमारे पास एक आइडिया है। माँ तुम्हारे पास आइडिया है?
तो फटाक से बोलो। हाँ। हटो हटो हटो। एक 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 मिनट हटो। माफ करना तुम। यार। हाँ माँ बोलो। देखो बिल। तुम कार्यकर्ता क्यों नहीं बन जाते? कार्यकर्ता। हाँ 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 मतलब एक्टिविस्ट। मैं माँ मैं क्या क्या बनूँ? हम अभी आते हैं। ये देखो हमने सब लिख दिया है, बस तुम यहाँ पे दस्तखत करो। ये लो। ओके साइन ऑटोग्राफ बिल्लू चंपो। ओके थैंक यू माँ। ये माँ के मैं मने एक बार साइन करने से पहले देख तो लिया कर कहाँ पर साइन कर रहा है। इस शिवानी केस से जुड़ा हुआ एफआईआर था जहाँ पर तुम साइन किया है। थैंक यू माँ। माँ 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 ये शिवानी की केस से जुड़ा हुआ है पाया। माँ माँ धोखा माँ धोखा कैसे माँ। चुप माँ। मैडम सर ये एफआईआर फाड़ दो, ये नहीं हो सकता। माँ एक पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन एक माता कुमाता नहीं हो सकती। माँ चुप। पुष्पा जी शिवानी को कांटेक्ट कीजिए, उससे कहिए कि एमएमएस केस के मामले में पुलिस उससे पूछताछ करना चाहती है। जी मैडम। क्या सबका समय लिखा होता है? तेरा भी आएगा, आएगा तेरे लिए कोई भी बहुत सारा प्यार बहुत सारी मोहब्बत लेके। बस सपनों को टूटने मत देना। लगता है ताई तू रात को डीडीएलजे देखकर सोई है। अरे ताई मैं कोई सिमरन ना हूं और तू भी हमारे लिए राज का इंतजार करना छोड़ दे। यहाँ हमारे को कोई घास नहीं डालता है और तू कह रही है कि राज आवेगा कोई। अरे तू कोई भेड़ बकरी थोड़े है ना जो तुझे घास डाले। पको भेड़ बकरी ना हूं पर कोई हूर भी तो ना हूं ना मैं। अब तेरी आंखें उगले आग, मुंह से बरसे अंगार, हाथ कम हथियार ज्यादा हो और चले तो समझ में ना आए कि लड़की है या सांड। फिर कौन आएगा तेरे पास मरने के लिए? रे यो तो तूने घड़ा ही फोल्ट बता दिया ताई। तेरी परेशानी है तो उसका रास्ता भी है और वो मैं तुझे बताऊंगी। फिर देखना कैसे भवरों की तरह मंडराएंगे तेरे आस पास सारे राज और सारे राहुल। तू घड़े ही शाहरुख खान की फैन लग गया। चल तू ही बता दे क्या करूं मैं। बताती हूँ बाद में। अरे बता देना तो बाद में बताऊंगी। अरे बता के हो गया बता ना। अरे क्या कर रही है? बाहर का नजारा इतना भी अच्छा नहीं कि तुम गौर से देखो। शिवानी क्या हुआ? ताई हसीना मलिक ने समन भेजा है। मजमून क्या है? वो मेरे एमएमएस का केस इन्वेस्टिगेट करना चाहती है। जो घाव मैंने सालों पहले बंद कर दिया था वो उसे दोबारा खुरेद रही है। आग में डाल इस समन को, केतली चढ़ा दे उस आग पे और चाय बना के पी जा। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हाँ जी जी ताई बिल्कुल ठीक कह रही है। नहीं ताई जाना तो पड़ेगा ही, समन है। हसीना मलिक को लगता है कि ये मेरा वीक पॉइंट है और शायद हो भी, लेकिन मुझे अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाना पड़ेगा। हसीना मलिक से मैं जितना दूर भागूंगी वो मेरे उतने ही करीब आएगी। ठीक है तू समझदार है लेकिन वो जज्बात का जाल बिछा रही है। हसना मत। कुछ नहीं होगा तय, तू टेंशन मत ले। मैं चलूंगी तेरे साथ।
धक धक कर रहा है, मेरी सांसें नहीं आ रही है। अब क्या बताएं बिल्ले, हमारी भी तुम्हारी जैसी हालत है। माँ तुम्हारी उम्र हो गई, मैं जवान हूँ, एफआईआर में मेरा नाम आया है, आपका नहीं आया है, और आपने किया ये धोखे से। हम आओ बिल्ले, तुम्हारे एफआईआर के वजह से चिंगारी गैंग को यहाँ बुलाया जा रहा है और उनका केस ओपन हुआ है, समझे तुम? चिंगारी गैंग आएगी यहाँ? माँ फट क्यों नहीं जाती, धरती माँ फट क्यों नहीं जाती, उसमें मैं समा क्यों नहीं जाता? ड्रामा ना करो, जो कांड होना था वो हो चुका है, मरो आप। धोखे से किया है ये, माँ ने किया है। अब रहना शांति। वो आ गए, आ गए, आ गए। जा जो मैडम सर को बता दो। जा मैडम सर। वक्त की बहुत पाबंद हो, आई लाइक इट। मेरे खिलाफ एफआईआर किसने लिखवाई? कौन है वो एक्टिविस्ट? मुझे एफआईआर की रजिस्टर दिखा। बिल्लू चंपत, नाम सुना हुआ लगता है। एक्सक्यूज मी, बिल्लू हर किसी का नाम होता है। बिल्लू शिवानी, शिवानी जी हर किसी का नाम होता है। क्या होता है, हर किसी की मजबूरी होती है, और क्या पता किसने धोखे से किया है ये। जीवन बहुत कठिन है ना। रजिस्टर देख लिया, नाम जान लिया, अब केस के बारे में बात करें। कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया है और शिवानी सजा काट चुकी है। ये सब यही बंद रहे तो बेहतर होगा। पुराने जख्मों को कुरेदने से कोई फायदा नहीं। हम पुराने जख्म नहीं कुरेद रहे, हम उन जख्मों पर इंसाफ का मरहम लगाना चाहते हैं। या रब, वो न समझे हैं न समझेंगे मेरी बात। दे और दिल उनको जो ना दे मुझको जुबां और। जो इसने भुगता है, खोया है, वो दिला सकेंगे आप इसे? बहुत आगे निकल गई है ये। शिवानी, तुम्हें इसी बात का दुख है ना कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है। हम तुम्हें इंसाफ दिलवाएंगे। नहीं चाहिए मेरे को तेरा इंसाफ। क्या तुम्हें डर क्यों लग रहा है शिवानी? सिर्फ इसलिए कि अगर हमने तुम्हें इंसाफ दिलवा दिया तो तुम्हारा ये रुतबा, तुम्हारा ये गुरूर सब कुछ झूठा पड़ जाएगा। लोगों को पता चल जाएगा कि पुलिस इंसाफ दिलवा सकती है और चिंगारी गैंग की तो कभी जरूरत ही नहीं थी। सिर्फ इसलिए नहीं, सवाल यहां पर इंसाफ का नहीं है, सवाल है वजूद का। और तुम्हारा वजूद हिल जाएगा, इसलिए तुम कांप रही हो। बहुत घमंड है ना तेरे को? चल ठीक है, खेल तेरा, मैदान तेरा, बाजी तेरी। अगर तूने मेरा केस सॉल्व कर लिया तो आई शपथ, ये चिंगारी दोबारा कभी कोई भी हथियार नहीं उठाएगी। तो ठीक है फिर, हम भी वादा करते हैं, अगर हम तुम्हें इंसाफ नहीं दिलवा पाए
तो हम ये बात मान लेंगे कि चिंगारी गैंग जो कुछ भी कर रही है, जैसे भी कर रही है, बिल्कुल सही कर रही है। पता क्या जानना चाहती है इस केस के बारे में? मैं बताऊंगी तुझे, लेकिन थाने में नहीं। यहाँ मेरा दम घुटता है। ये दीवारें मेरे साथ हुई ना इंसाफी की निशानियां हैं। लीजिए, आ गए पुलिस स्टेशन की चार दीवारी के बाहर, खुले आसमान, खुली हवा। अब बेहतर लग रहा है? दर्द बढ़ रहा है। तू पुराने जख्म खुरीद रही है। हो सकता है आज के बाद कोई जख्म ही ना बचे। ये दर्द, ये तकलीफ जो तुम अपने अंदर लिए घूम रही हो सकता है आज वो फाइनली शांत हो जाए। हो सकता है आज के बाद तुम्हें चिंगारी गैंग की जरूरत ही ना पड़े। ये भी तो हो सकता है ना कि तुम कानून के खिलाफ नहीं, कानून के साथ मिलकर काम करने लगो। पूछ, क्या पूछना तेरे को? तुम्हारा और अजय वर्मा का MMS कैसे बना? अजय और मैं एक ही लॉ कॉलेज में पढ़ते थे, एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे ऐसा मुझे लगता था। लेकिन मैं कहां जानती थी कि जिस विश्वास की जमीन पर मैं इस रिश्ते को खड़ा करना चाह रही थी वो बस एक धोखे से भरा दलदल था। मैंने मेरे ही फोन से मेरे और अजय के कुछ पर्सनल मोमेंट्स रिकॉर्ड किए थे जो अजय ने अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड कर दिए मेरे ही फोन से। फोन में पासवर्ड नहीं था? था, दोनों के फोन में था, लेकिन दूसरों के लिए। वो क्या है ना, एक दूसरे से पासवर्ड बिसवर्ड छुपाना मोहब्बत का बहुत बड़ा दुश्मन बन जाता है। इसका ये मतलब होता है कि एक दूसरे पर भरोसा नहीं है। नसीब मेरा कि मैंने उस पर भरोसा किया, करम उसका, उसने मेरा भरोसा ही तोड़ दिया। जब मेरे को मालूम पड़ा तब मैं गई थी थाने में FIR लिखवाने के लिए। वो क्या है ना मैडम कि हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ पर आज भी आधे से ज़्यादा लोग भूखे सोते हैं। इसीलिए तो इस समाज में प्यार, मोहब्बत, इंसाफ, ईमान सब कौड़ियों में मिलता है। अजय बहुत पैसे वाला था और इसीलिए उसने पूरा केस घुमा दिया। कहा कि उसे ब्लैकमेल करने के लिए मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया। और जब पैसे नहीं मिले तो खुद ही वीडियो को फॉरवर्ड कर दिया। चार महीने जेल में थी मैं। अगर जिस्म पर कोई दाग लग जाता है ना तो उसे प्लास्टिक सर्जरी से मिटाया जा सकता है, लेकिन जेल में जाने के बाद जो दाग लगता है ना उसे कोई प्लास्टिक सर्जरी नहीं मिटा सकता। ब्लैक होल की तरह होता है ये दाग, सब कुछ निकल जाता है। मेरा भी सब कुछ निकल गया था ये दाग। मैंने किसी को ब्लैकमेल नहीं किया, प्लीज मेरी बात सुन लीजिए सर, एक बार मुझे सफाई का मौका दे दीजिए सर, प्लीज सर, सर प्लीज सर, प्लीज सर। कॉलेज से निकाल दिया, आई बाबा, आई बाबा ने भी घर से निकाल दिया। वो तो मुझे बचपन से जानते थे, उन्होंने तो मुझे देखा था। झूठ कहते हैं सब लोग कि हमारे माँ बाप हमें जानते हैं। अगर ऐसा होता ना तो मेरे आई बाबा ने मुझ पर विश्वास किया होता। और फिर भी तुमने उस दिन माँ की कसम खाई थी। क्या कहा था? आई शपथ, यही ना? आदत, आदत बहुत ही कमीनी चीज होती है जज्बात वाली। भाई शिवानी, अगर तुम्हारी बातों में सच्चाई है तो हम अपनी अम्मी की कसम खाते हैं, हम अपनी जान लगा देंगे, लेकिन तुम्हें बेगुनाह साबित करके रहेंगे। और हम कभी भी आदतन कसम नहीं खाते। भाई इसको लगता है कि मैंने कोशिश ही नहीं की। तू कर तेरे को जो करने का,
अब मैं बहुत आगे निकल चुकी हूँ। लॉयर बनने निकली थी लेकिन अभी मेरी लाइफ का मकसद कुछ और ही है। छोड़, चलती हूँ। चलते हैं। पुष्पा जी। जी मैडम सर। शिवानी के पेरेंट्स को फोन करिए, हमें उनसे बात करनी है। जी। करिश्मा सिंह, कल पहला काम आप ये करेंगे कि आप अजय से मिलेंगे और पता लगाएंगे कि सच क्या है। जी मैडम सर। फोन बज रहा है मैडम सर, मगर कोई उठा नहीं रहा है। हेलो। हेलो। हेलो, हम महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ से हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह बोल रहे हैं। आपकी बेटी शिवानी के केस के बारे में हमें थोड़ी जानकारी चाहिए थी। हेलो। हमें उसके बारे में कोई बात नहीं करनी है। मर चुकी है वो हमारे लिए। अपने पिता को जीते जी मार दिया उसने। आज तक बिस्तर से उठे नहीं है वो। नहीं, हेलो सुनी। ये कैसी माँ है? एक माँ अपने बच्चे के बारे में ऐसे कैसे बोल सकती है? लड़की है ना मैडम सर, ये लड़के भले किसी का कत्ल करके आए, किसी का बलात्कार करके आए, मगर परिवार उसे गले लगाता है क्योंकि लड़का है। फूल मालाएं भी छाए जाते हैं क्योंकि लड़के कभी गलत हो ही नहीं सकते ना। लोग और उनकी सोच। मैडम सर, हमसे तो उसकी बेचारे की कहानी सुनी नहीं जा रही थी। कितना कुछ झेला है बेचारी ने, जरा सोचिए ना। जिसने अपनी कोख से उसे जन्म दिया, वो माँ उस पर भरोसा नहीं कर रही है तो क्या बीती होगी बेचारी के दिल पर। पुष्पा जी। जी मैडम सर। शिवानी का केस जिस पुलिस स्टेशन में दर्ज है उन्हें कॉन्टैक्ट कीजिए। हमें पूरी केस फाइल चाहिए, एक एक डिटेल, सारी इन्फॉर्मेशन, सब कुछ। जी। हम शिवानी को इस जिल्लत की आग में जलने नहीं दे सकते। आइए मैडम, बैठिए बैठिए, मैं सर को बुलाता हूँ। जी धन्यवाद आपका। यही कहा है मैडम? जीते अजय वर्मा के फोटो पे ऐसा हर बार क्यों चढ़ा हुआ है? हाँ, लगता है गया। नहीं, तभी हार चढ़ा है ना, शौक में थोड़ी। जी वो सर का 5 साल पहले एक्सीडेंट में देहांत हो गया। कहाँ? जी आप बैठिए, सर अभी आते ही होंगे। जी धन्यवाद। भूत है, भूत है। परेशान मत होइए, मैं विक्रम हूं, अजय का जुड़वा भाई। बैठिए, कहिए मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? जी हम शिवानी एमएमएस के केस का छानबीन करने आए हैं आपसे। लेकिन उसका जजमेंट तो आ गया है ना, वो केस भी क्लोज हो गया है। माननीय न्यायालय ने जो भी चीजें देखी समझी उसके हिसाब से जो भी निर्णय लिया बिल्कुल सही था। शिवानी ने अजय भैया को एमएमएस बनाकर इतना गंदा फांस लिया था कि, और उसके बाद तो अजय भैया का एक्सीडेंट हो गया और उनकी डेथ हो गई और फिर केस तो खत्म ही हो गया। टेक्निकली तो मैं इतना ही जानता हूँ। ठीक है, फिर भी हमें आपके भाई साहब का थोड़ा डिटेल चाहिए होगा, बैंक डिटेल, सोशल मीडिया पे अगर उनका कुछ अकाउंट है या उनसे रिलेटेड कोई भी चीजें हो, उनका कोई दोस्त वोस्त, वो सब हमको बताइए आप। श्योर जी। तो
धन्यवाद आपका बहुत बहुत। ओके चलो जीते। जय मैडम सर। जय मैडम सर, केस में कुछ बचा ही नहीं है। अजय का तो देहांत हो चुका है, 5 साल पहले एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो चुकी है। क्या? उसका जुड़वा भाई है, पर उसके जुड़वे भाई को भी सिर्फ उतना ही पता है जितना चीते को हवाई जहाज उड़ाने के बारे में पता है। हाँ, मैं... सुना तुमने अजय, पार्टी मुझे दोबारा टिकट दे रही है आगामी चुनाव के लिए। पापा, मैंने आपसे कितनी बार कहा है, अजय मर चुका है, मैं विक्रम हूं। कुछ हुआ क्या? हाँ हुआ तो है। थोड़े टाइम पहले हमने एक नाटक खेला था और उस नाटक में मैंने अपना नाम अजय से बदलकर विक्रम रख दिया था और अजय को मार दिया था। आपको आदत नहीं पड़ी है मुझे विक्रम बुलाने की। हो सकता है अजय के मौत के सदमे की वजह से। क्यों बेटा? अब क्या करेंगे मैडम सर, केस में कुछ बचा ही नहीं है, अजय तो जिंदा ही नहीं है। लेकिन शिवानी के दामन पर अब भी दाग है और वो दाग हमें साफ करना ही होगा। इसका मतलब आपने मान लिया कि शिवानी जो बोल रही है वो सच बोल रही है? शुरुआत तो यहीं से करना चाहते हैं, हमारा कर्म उसका ईमान। जय मैडम सर। जय मैडम सर, ये शिवानी की फाइल है, पुराने थाने से लेकर आए हैं, और ये मोबाइल है जिस पर से ये वीडियो बनाया गया और वायरल भी कर दिया गया। वो जो इंस्पेक्टर था ना, बहुत ही खड़ूस था मैडम सर। ये फाइल और फोन कैसे निकलवाया है हम ही जानते हैं। अब सुंदर, सुशील, कमसिन, नाजुक महिला होने का थोड़ा तो फायदा हो। कौन कमसिन? हम चीते। एक काम करिए चीता। जी मैडम सर। अब नहीं, तुम रहने दो। संतोष शर्मा। जी मैडम सर। ये मोबाइल लीजिए, चेक करवाइए कि वीडियो इसी मोबाइल से बना है या नहीं। बाकी सारी डिटेल्स भी चेक करिए, अगर कोई भी मिसमैच है तुरंत हमें रिपोर्ट करिए। जी मैडम सर। चीते चल। जय मैडम सर। जय। शिवानी के खिलाफ एफआईआर लिखा है। एफआईआर किसने लिखा है? बिल्लू चंपत ने लिखा है। मतलब कौन? बिल्लू द स्पाई, मतलब बिल्लू तुरंत डाय। नहीं, ये माँ ने धोखा किया है, बिल्लू के साथ धोखा किया, अपने मुंह बोले लल्ला के साथ धोखा किया है। लेकिन मरेगा कौन? ये बिल्लू, और मारेगा कौन? ये शिवानी गैंग की शिवानी गैंग की मेंबर आई थी, हाथों में तलवार थी, मुझे काटने वाली थी, मेरा एफआईआर से नाम हटा दो मैडम सर, प्लीज प्लीज। बिल्लू बिल्लू बिल्लू, यहाँ कोई भी नहीं है, ये तुम्हारा वहम था, और अगर कोई आता भी है तो हम हैं ना दस्तखत करने के लिए। मैडम सर, मैडम सर, एफआईआर से मेरा नाम हटा दीजिए, इनका लिखिए। अरे ऐसा नहीं हो सकता बिल्ले। क्यों? बिल्लू बिल्लू प्लीज प्लीज शांत हो जाओ, पुष्पा जी बिल्कुल सही कह रही है, एफआईआर से नाम हटा नहीं सकते। शांत हो जाओ और सो जाओ वापस। मैं मर जाऊंगा। चुप ना। शिवानी का फोन? हाँ जज्बात वाली भाई, कुछ केस बना क्या? हाँ प्रोग्रेस है, पुलिस स्टेशन से हमने सारी फाइल, सारी इंफॉर्मेशन सब कुछ मंगवा लिया है। और हमने वो मोबाइल भी जब्त कर लिया है, उस पर इन्वेस्टिगेशन चालू है। और हमने अजय के जुड़वा भाई विक्रम से भी बात की है। और क्या शिवानी,
हमने तुम्हारे माँ बाप से भी बात करने की कोशिश की, कुछ पूछा उन्होंने मेरे बारे में, कुछ बात की, उनकी आवाज से लग रहा था कि वो बिल्कुल ठीक है। हमने वहां के लोकल पुलिस स्टेशन से भी कहा है कि उनसे कांटेक्ट में रहे। और बाबा, बाबा जिंदा जिंदा तो है लेकिन बिस्तर पर है। इकबाल की बदनाम स्पेशल चाय। काहे काहे इतना परेशान हो रही है, इतना तड़पड़ा रही हैं आप, काहे परेशान है, क्या दिक्कत हो गया है? ये क्या दिक्कत हो रही है? आप पूछ रहे कि ये क्या हो गया? हमें तो तब से ग्लानी हो रही है कि ये क्यों किया आपने, ऐसा क्यों किया? क्या किया? देखिए एक तो वैसे हमारे दिमाग का ना दही हो रहा है, मैडम सर व चिंगारी गैंग के लगे दामन में दाग धो रही है और आप जो है अलग ही राग अलाप रही है, क्या दिक्कत हो गया? हम राग अलाप रहे हैं? क्या जरूरत है आपको टिफिन में क्या 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 मटन लाने की? आप बकरा खा गई? हाँ। क्या अब बढ़ेगा धंधा? चलिए फ्री में आपको मटन खिलाते, आइए। माँ, माँ ये क्या किया माँ? अरे पिल्ले, हमसे गलती हो गई, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बहुत 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 बड़ी गलती हुई है माँ, आपने अकेले मटन खाया। देखिए पुष्पा जी, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। सुनो, हमने ना गलती से खाया तुमको, हमको नहीं पता था, हमको नहीं पता, हमने गलती से खाया, हाँ हमें माफ कर दो। आत्मा की आवाज, आत्मा की आवाज है माँ। आओ पुष्पा जी, यहाँ से नहीं, वहां से आ रही है। अरे किसकी बकरी, किसकी बकरी? माँ तुम्हारे पास तुम्हारा है बकरी? मैडम जी माफ कर दीजिए, ये मेमना को ढूंढ रही है, बिट्टू नाम था उसका। कहाँ गया इसका बिट्टू? वो तो हमने रघु कसाई को बेच दिया। क्या बात कर रहे हैं पुष्पा जी, हम वो मटन रघु कसाई से ही लाए थे। हाँ बिट्टू को खाया? माँ बिट्टू को कट्टू करके खाया है। ले 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 लेके जाओ उसको, लेके जाओ। हाँ चल चल। ए शिवजी, हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। देखिए पुष्पा जी, अब गलती तो हो गया, अब उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। करेगा तो बिट्टू मेमने का बाप, खून का बदला खून और मटन का बदला मटन। मटन रे ताई, बता ना, तू तो कह रही थी छोरे आगे पीछे घुमाने के नुस्खे बताऊंगी, यहाँ तो छोरे क्या, मैं तेरे आगे पीछे घूम रही हूँ, बता ना ताई, बता ना। अच्छा सुन, नजरों के खेल जरूरी है विन्नी, जब किसी से बात करेगी ना तो उसकी आंखों में देख, बात करने का बहाना ढूंढ, अपनी अदाएं बिखेर, नजाकत ला। शिवानी क्या हुआ? कुछ तो बात है उस जज्बात वाली बाई में। ये बात है जिज्जी, आजकल बहुत बार यो बात बोलने लगी है तू। ताई, पूरी दुनिया के सामने हमने उनकी इज्जत तोड़ी, पब्लिक पर से उनका भरोसा तोड़ दिया, हम तो उनके दुश्मन ही हुए ना, लेकिन फिर भी इस दुश्मनी में मुझे हसीना मलिक के साथ एक अजीब सा सुकून मिल रहा है। आजकल कौन किसी के मन को पढ़ पाता है ताई? लेकिन मेरे बिना कहे ही हसीना मलिक ने ये बात जान ली कि मैं अपने आई बाबा के बारे में जानना चाहती हूँ। बात हुई उनसे?
वो ठीक है ताई, बाबा जिंदा है, लेकिन मुझसे बात नहीं करना चाहते। एक बार खुद फोन करके देख ले, क्या मालूम बात करेगी तो। नहीं ताई, वो बात नहीं करेंगे। शायद ना करें, लेकिन अगर कर ली तो। हेलो हेलो, कौन है भाई? अरे आवाज नहीं आ रही है भाई। हेलो, वक्त है बेटा, खुद को भी, अपने माँ बाप को भी और समाज को भी। धीरे धीरे सब बदल जाता है। भाई मैं बेकसूर हूं, भी इतने सालों से सजा काट रही हूं। वो अजय तो चैन से मर गया, लेकिन अब उसका वो जुड़वा भाई, जुड़वा भाई, और हमने अजय के जुड़वा भाई विक्रम से भी बात की है। अजय का जुड़वा भाई कहां से आ गया? बिन्नी, तू अजय वर्मा को जानती है ना? हाँ। उसका जुड़वा भाई पैदा हो गया है, जाकर पता लगा। ठीक है जीजी, चल। यो तो अजय की फोटो कॉपी निकाल दी भगवान जी आपने, इसका तो टेस्ट लेना पड़ेगा। अजय, ओ भाई साहब, यो खेल खेल रहा छोरा, नाम बदल लिया पर असली नाम सुन के पलटने की आदत ना बदली इसने। यार अजय, हाँ? यार थोड़ा जल्दी पहुंचना है यार। अरे तू लेट आया, मैं टाइम पे था भाई। ठीक है, अब चले यहाँ पे। यो बात तो जीजी को बतानी पड़ेगी। हाँ जीजी, तेरा शक बिल्कुल सही निकला, नाम बदल के घूम रहा है यो। करेगा तो बिट्टू मेमने का बाप, खून का बदला खून और मटन का बदला मटन। पुष्पा जी, शिवानी के फोन से जो थाने में सबूत के तौर पर जमा है। शिवानी के फोन से सबसे पहले वीडियो भेजा गया था अजय को, जो संदीप का दोस्त है। ओके, वीडियो जब भेजा था तब 30 MB का था, और उससे आगे जब फॉरवर्ड किया तब 15 MB का था। इसका मतलब वीडियो से छेड़छाड़ की गई। एग्जैक्टली, वीडियो एडिट हुआ है उसके बाद फॉरवर्ड किया मैडम सर, और ये सारी बातें केस में नजरअंदाज की गई है। और करिश्मा मैडम अभी संदीप के पास ही गई है। चलो चलो, ये रहा मैडम सर संदीप, अजय का फ्रेंड। तो तुमने शिवानी का वीडियो एडिट किया और फिर फॉरवर्ड किया, क्या छुपा रहे थे? कोहिनूर छुपा रहा था मैडम। अरे, और देखिए ऐसा है, ये केस हो चुका है खत्म, बेमतलब में उलझिए मत, नहीं तो भारी पड़ सकता है। करिश्मा सिंह, जरा इससे अपने तरीके से। नहीं नहीं मैडम सर, हम अपना तरीका छोड़ चुके हैं। तो अब जाऊं या फोन लगाऊं? फोन लगाऊं?
लगा फोन लगा लगाओ फोन 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 लगाएगा ना लगा फोन। पुलिस को क्या समझता है रे? अपने बाप का नौकर समझता है? अपने बाप का नौकर समझता है तुम? हैं? ये गलत कर रहे हो। हमारा नाम देगा? हमारा दे, हमारा नाम दे, हमारा नाम दे। जीते फोन कर रहे, बोल रहे, बता रहे ना, वो बता रहे ना, वो बता रहे ना, पीछे फोन कर रहे। हां हां पीछे शांत हो जाओ। फोन लगाओ पुष्पा जी का। शांत बता रहा हूँ, वो अजय ने शिवानी के फोन से मुझे वीडियो भेजा और मैंने उसमें से अजय का फेस ब्लर कर दिया और जहां जहां हो सकता था मैंने अजय का फेस कट कर दिया। अजय ने ही पुलिस ऑफिसर को रिश्वत देकर ये केस शिवानी के खिलाफ कर दिया। पुष्पा जी। जी मैडम सर, इसका पूरा बयान लीजिए। संतोष शर्मा, शिवानी के केस में जो भी पुलिस ऑफिसर पहले अपॉइंटेड थे उनके खिलाफ एक चार्जशीट फाइल कीजिए। जी मैडम। शिवानी बेकसूर है और अब उसे इंसाफ मिलकर रहेगा, पुलिस पर उसका विश्वास भी वापस आ जाएगा और वो चिंगारी गैंग को बंद भी कर देगी। जज्बात वाली भाई बोल। शिवानी, हमने तुम्हारा केस सॉल्व कर लिया है, तुम्हारा असली गुनहगार अजय वर्मा ही है और उसके दोस्त संदीप का स्टेटमेंट हम ले चुके हैं। अच्छा लगा जान के, चल रखती हूँ। हमने अपना वादा पूरा कर दिया है शिवानी, अब तुम अपना वादा पूरा करो। तू जो मेरे को बोल रही है ना, वो मेरे को पहले से ही मालूम है। तो अब दुनिया को पता चलेगा शिवानी, तुम्हारे दामन पर जो दाग लगा है वो साफ हो जाएगा। अजय वर्मा 5 साल पहले एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो चुकी है। तू ना आराम कर जज्बात वाली भाई। अरे ये क्या कह रही हो तुम शिवानी, जो मर चुका है उसे वापस लेकर कैसे आए? 5 साल पहले मेरे और मेरे गैंग मेंबर्स ने ना उसको मारने का प्लान बनाया था और तभी हमें पता चला था कि उस पर ऑलरेडी एक किसी लड़की की जिंदगी खराब करने का आरोप लगा था। जब तक हम उस तक पहुंच पाते उसका एक्सीडेंट हो चुका था और वो खाई में गिर गया था। यही तो खुदा का इंसाफ है ना शिवानी? ऐसा मुझे भी लगा था जज्बात वाली भाई। वो क्या है ना, पुलिस जब एक केस को बंद करती है ना, तब हम चिंगारी गैंग उसी केस को ओपन करते हैं। क्या क्या मतलब क्या है तुम्हारा? तेरे हिसाब से अजय वर्मा मर गया लेकिन मेरे हिसाब से वो आज भी जिंदा है। सोच रही है ना? कोई बात नहीं, यही फर्क है तुझ में और मुझ में। तू सोचती रहे मुझे इंसाफ चाहिए, रखती हूँ मैं। विक्रम वर्मा, अजय का ना ही कोई जुड़वा छोटा या बड़ा भाई था और बाय द वे ये उसने मुझे खुद बताया है कि उसके घर में वो इकलौता बेटा है। उसकी पूरी फैमिली को जानती थी मैं। अजय का कोई भाई नहीं है और जुड़वा तो बिल्कुल भी नहीं। शिवानी, कानून कमजोर नहीं है, कानून बहुत ताकतवर है और हम ये साबित करके रहेंगे। सॉरी हसीना मलिक, तुझसे ये केस नहीं सॉल्व होगा।